कोई धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा। सिलो देख लो, इसी सिलो पे दियो भाई थोड़ी सी रेस। बिल्कुल साइलेंट और फड़क मार रहा, बहुत बेहतरीन। देख लो यदि सौदा बनता हो तो। यह आगे जी आपका आईसर 242, यह आगे जी आपका आईसर 241, यह आगे जी अर्जुन 555, यह आगे जी महिंद्रा 575 नए टायर ले रहा, यह आगे जी 555, ये भी 555 आ गए जी, महिंद्रा 265। राम राम दोस्तों और मेरे किसान भाइयों, मैं आपका भाई विक्रांत पवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। किसान भाइयों मैं आया था मुजफ्फरनगर में, यहाँ देखिएगा काफ़ी सारे ट्रैक्टर खड़े एक्सचेंज में आए हुए, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। कौन आ गया? ये आ गया किसान भाइयों, जो शुरुआत होने वाली हमारी आईसर 242 से करेंगे एक्सट्रैक्ट से। और मॉडल की बात करिए भाई, हमारे साथ है मॉडल क्या है भैया? 2020। इसकी बात करी जाए घंटों की, पहले घंटे दिखेंगे कितने घंटे चला हुआ है। घंटे दिखाने का अभी फिलहाल बैटरी तार रखी है भाई, इसमें 943 घंटे दिखा रहा है। वैसे दिखा रहा है इतने 943 घंटे चलावाना ओरिजिनल? इतना ही चला हुआ, इतना ही चला हुआ जो का तू ओरिजिनल कंडीशन पर ट्रैक्टर है। और नंबर की बात करी जाए भाई, नंबर कहाँ का आयो? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का नंबर है किसान भाई। टायर की हालत देख सकते हैं आप इसकी, ये देखिए जी 943 घंटे में। आपको पता ही है किसान भाई कितनी गिजाई हो सके ट्रैक्टर की, किसान के घर का ट्रैक्टर है ये, यू नहीं है कि कहीं कहीं बड़े बड़े पे चला हुआ हो। हिच भी मिल जाएगा इसमें, पेंट की कंडीशन भी हुई है, खुले में खड़े रहे हैं तो यहाँ तो कंडीशन ऐसी ही होनी, देखो जो भी है सब आपके सामने ही है किसान भाइयों। इसकी भाई बात करी जा, सेल्फ स्टार्ट मिला का ना? सेल्फ स्टार्ट हाँ ठीक है। क्या कीमत है इसकी निचोड़ करके? 3 लाख। 3 लाख रुपये निचोड़ करके हैं, बाकी 2-4 हज़ार रुपये तो मौके पर जो होंगे हो ही जाएंगे। अब आगे जी आपका आईसर 241, इसकी बात करी जा, ये कौन सा मॉडल है भैया? 17 फ्रेश पड़ा बिल्कुल। इंजन की कंडीशन देख सकते हैं, कोई लीकेज नहीं कहीं से, कोई एक्सीडेंटल नहीं, कोई रिपेंट नहीं। और घंटे की बात करी जाए, लगभग घंटे इसमें चला हुआ है वो 1700। गियर बॉक्स देख सकते हैं आप इसका, साफ सुथरा पड़ा। अच्छा टायर इसके पिछले गोल हो गए, अगले टायरों में दम है इसमें अभी। इसका नंबर कहाँ का जी? इसका भी है क्या मुजफ्फरनगर का? हरियाणा का। हरियाणा, ये हरियाणा का है, ये हरियाणा का नंबर है इसका। बाकी लोकल की बात ही हो, हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये लोकल नंबर ट्रैक्टर यहाँ मिल जाएंगे। इसकी बात करिए, क्या कीमत कर रहे हैं आप? 2.25। मात्र 2.25 लाख रुपये 17 मॉडल के? 17 मॉडल 2.25 लाख रुपये, गुंजाइश छोटी मोटी हुई। एक ट्रैक्टर किसान भाइयों ये ले देखते हैं, छोटे ट्रैक्टरों की वीडियो में एक बड़ा ट्रैक्टर भी होना जरूरी है। महिंद्रा का अर्जुन अल्ट्रा 1 555, इसकी बात करी जाए भैया कौन सा मॉडल है? 15 मॉडल है। टायर बिल्कुल नहीं दे रहा, 7 के ही हैं। क्या ट्रैक्टर चला ही नहीं हो? चला नहीं बहुत, अभी तक चाबी मिल लगी ट्रैक्टर में। अच्छा जी, इंजन बिल्कुल शील्ड? शील्ड इंजन, गियर बॉक्स हर जगह से शील्ड है, कहीं भी चाबी नहीं लगी अभी। सुनो ले भाई, 15 मॉडल है? 15। गलत फहमी तो नहीं है? नहीं गलत फहमी क्यों होगी सर, 15 मॉडल की कंडीशन किसान भाइयों मिलने की नहीं ऐसी, 18 मॉडल की भी। जी हाँ, किसान भाई पे शौकीन किसान भाई पे था, आगे नंबर कार्ड लगवा रखे इसमें। इसकी बात करिए भैया, नंबर कहाँ का है? सहारनपुर। अच्छा एक्सीडेंटल वगैरह कुछ नहीं? ना कोई रिपेंट? कुछ नहीं कुछ नहीं, कहीं से भी चाबी मिल लगी पूरे ट्रैक्टर में। क्या किसान ने घर में लेके खड़ा कर लिया था? खड़ा ही कर रखा था। अच्छा इसकी बात करिए, अंदाजा कुछ हो कि कितने घंटे चला होगा? 2000 घंटे तो चला होगा, इतना तो चला है नहीं? हाँ, इससे नीचे नीचे है, ये बात पक्की है। टायर की हालत बता रही है, सही बात, ये टायर की हालत बता रही है कि इससे नीचे नीचे ही चला हुआ है। अब इसकी कीमत बता दो मुनासिब से पैसे। 4,45,000 रुपये। 4,45,000 रुपये की डिमांड है, आओगे आप, आपका मान सम्मान जरूर रखा जाएगा। ये आ गया किसान भाइयों महिंद्रा का 265 सरपंच सीरीज। कहाँ जा रहे हैं मुनीश साहब? इसकी बात करिए भैया, मॉडल कौन सा आयो? 3। कंडीशन देख सकते हैं आप इसमें, इंजन गियर का बहुत बढ़िया, इंजन गियर का अच्छा है और टायर की कंडीशन इसकी लगभग रह रही, इस अच्छे से तो रही रही टायर, अगले टायर इसके हल्के हो रहे, बम्पर इसमें मिल जाएगा आपको। इंजन की कंडीशन, पंप वगैरह बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा, बढ़िया
हिच सपोर्ट बम्पर भी है, ठीक है, सपोर्ट वो भी है, हिच भी मिल जाएगा। और भैया इसकी बात करी जाए डिमांड की, क्या डिमांड आ रही है इसमें? 1,35,000 रुपए। मॉडल क्या बताया आपने? 3। 1,35,000 की डिमांड है। बाकी तो किसान भाई आप आओ और अपने आप सोचा था, मैं इस बीच में कुछ नहीं कर। अब आ गया किसान भाइयों कम बजट में, ठीक है, कम बजट की बात करी जाए। एसी आ गया आपका 335 HP में होगा ना? हाँ। इसकी बात करीजिए भैया मॉडल क्या है, आप मॉडल से शुरुआत करो। इसकी मॉडल मान लो इसकी, इसका दशक मॉडल होगा ये। 10 मॉडल की करीब। हाँ। पेंट वगैरह हो रहा है इसके इंजन में? नहीं, ओरिजिनल है इस पे। हाँ हाँ ओरिजिनल है। और बम्पर लगी रहा, टायर भी इसमें मिले पड़े जो बिल्कुल नए से पड़े। और पिछले टायर के इसमें काफी हैवी रबड़िंग है। नंबर कहाँ का भैया? यूपी का ही है भैया। कीमत मान के चलो 2 लाख के आसपास। 2 लाख रुपए की डिमांड है इसकी, 2 लाख की डिमांड है किसान भाई। बाकी तो मोटर पर मुझे। अब अगर किसान भाइयों आपका सोनालिका का इंटरनेशनल DI 750, इसकी बात करिए भैया मॉडल कौन सा है? मॉडल है जी वो मॉडल होने वाला है 8। और पेंट की बात करिए, लगभग ओरिजिनल पेंट है? ओरिजिनल पेंट है। इंजन की कंडीशन? बढ़िया, चलता फिरता स्टार्ट, चलता फिरता एकदम स्टार्ट, हिल तो ही। गियर बॉक्स भी बढ़िया, ठीक है। प्लेटफॉर्म की बात करिए, प्लेटफॉर्म इसका चेंज करवा रखा गया, यही आया था यूं ही है जो का तो ओरिजिनल ही है। और टायर जो इसमें पड़े हुए रबड़िंग है, बिल्कुल नई रबड़ पड़ी। नंबर कहाँ का है? लोकल का ही है, यूपी का ही है। यूपी का ही है। कोई लीकेज वगैरह इसमें कोई ऐसी खास है नहीं, देख सकते हैं आप। और भैया इसकी कीमत क्या कर रही? 1,70,000 रुपए। 1,70,000 रुपए की डिमांड है। तो गुंजाइश जब आप कराओगे तो मौके पर आपका सौदा हो ही जाएगा। महिंद्रा 575 DI MKM सीरीज में ऑयल ब्रेक का ट्रैक्टर है, देख सकते हैं। ये नंबर कहाँ का जी? मेरठ लोकल नंबर। वेट वगैरह इसमें मिल जाएगा, पंप वगैरह का कोई लीकेज नहीं है। टायर भी जो इसमें है साथ के आएंगे? साथ करने दोबारा क्या? दोबारा कहेंगे यार, वो भी ऐसे रह रहे 40-41। लीकेज वगैरह कोई इसमें कहीं ना कहीं है नहीं। यो भी 13 मॉडल है। इसकी बात करिएगा डिमांड की, क्या डिमांड आ रही? 3,25,000 रुपए इसकी भी। 3,25,000 रुपए की डिमांड है। छोटी मोटी भी जैसे मौके पर जो सम्मान मान सम्मान होगा किसान भाई जरूर करवा लीजिएगा। किसान भाइयों चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर फेसबुक पर फॉलो कर लेना, आने वाली सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान। थैंक यू।